नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी या किस्सा डिस्कस करने जा रहा हूं, चौधरी रहमत अली का। मैंने अपने एक पुराने लेक्चर में ये आप लोगों से कहा था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान शब्द देने वाले व्यक्ति को, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाउंडर्स कहलाए जाने वाले व्यक्ति को पाकिस्तान देश ने धक्के मार के बाहर क्यों निकाल दिया, तो आप कमेंट में बताइएगा। आप लोगों ने कमेंट किया और आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है चौधरी रहमत अली की। ये वो व्यक्ति हैं जिनको पाकिस्तान नाम देने का श्रेय जाता है। 1933 में जब ये इंग्लैंड में थे तब इन्होंने एक पैम्फलेट छापा था, नाउ और नेवर। तो ये पैम्फलेट काफ़ी फेमस था, ये सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को बांटा गया, कई सारे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने ये दिया और डिमांड करी कि ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश बनना चाहिए। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि रविवार सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है। प्रीलिम्स पैटर्न पर होने वाला ये एक मॉक टेस्ट है, इसमें हिस्सा लीजिए, प्रीलिम्स की तैयारी आपको पता चलेगी, साथ ही साथ आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। तो अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शंस हैं ये आप जीत सकते हैं अगर आप टॉप रैंक्स लेकर आते हैं। तो लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपने आप को अभी रजिस्टर कर लीजिए। इस लेक्चर का पीडीएफ या मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। पाथफाइंडर के सभी लेक्चर्स अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पाथफाइंडर के चैनल पर। तो देखिए, चौधरी रहमत अली कौन थे, सबसे पहले उनके जीवन के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूं आपको। तो अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ एक हुआ करता था, उस समय 1897 में चौधरी रहमत अली का जन्म हुआ था एक पंजाबी गुज्जर मुसलमान फैमिली में। सो ही वॉज बॉर्न इन द पार्ट ऑफ पंजाब दैट इज टूडे इन इंडिया। तो इनका गाँव जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जहाँ से ये थे, आज के समय में वो भारत के होशियारपुर जिले में आता है, पंजाब राज्य में, और गाँव का नाम था बालाचौर। इनकी कॉलेज शिक्षा हुई लाहौर के इस्लामिया कॉलेज से 1918 में। उसके बाद इन्होंने कुछ सालों तक लाहौर के ही एचिनसन कॉलेज में पढ़ाया और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने के लिए चले गए। तो एक प्रोफेसर बनने के बावजूद इन्हें पढ़ने का इतना ज़्यादा पैशन था कि ये 1930 में यानी कि एट द एज ऑफ 33 यूके चले जाते हैं और इंग्लैंड में जाकर प्रेस्टिजियस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इमैनुअल कॉलेज में दाखिला लेते हैं और इस समय के बाद से ये रहेंगे यूके में। 1930 के बाद से इन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय टिल 1951 यूके में ही बिताया। सो फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ हिज एडल्ट लाइफ ही वॉज लिविंग इन यूके। यहाँ पर इन्होंने पहले बीए की डिग्री करी, उसके बाद एमए करी, फिर उसके बाद लॉ की डिग्री कंप्लीट करके ही वॉज कॉल्ड टू द बार। कॉल्ड टू द बार का मतलब होता है कि आप वकालत प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लैंड में। तो ये 1943 तक इस तरह से ये काम भी कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में जारी रख रहे थे। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन इंग्लैंड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से पूरी करी थी। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसके लिए इतिहास इन्हें याद रखता है वो है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के लिए। तो इंग्लैंड में रहते समय एज अ स्टूडेंट, एज एन एक्टिविस्ट, इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट शुरू किया कि पाकिस्तान नाम का एक देश बनना चाहिए और इसके लिए इन्होंने कई पैम्फलेट लिखे, कई अखबारों में एडिटोरियल्स लिखे, चिट्ठियां लिखी, बड़े बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश करते थे, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज 1930s की शुरुआत में इंग्लैंड में आयोजित हो रही थी, एट दैट टाइम टेक्निकली ही वॉज अ स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18-19 साल के स्टूडेंट थे, ही वॉज अराउंड 34-35 ईयर्स ऑफ एज। और ऐसे में इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य कई नेताओं से मिलकर उन्हें यह कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप पाकिस्तान देश के लिए बात करो, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग, जिन्ना, कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था। इनफैक्ट ये जो पाकिस्तान शब्द है ये चौधरी रहमत अली ने ही कॉइन किया था। हालांकि अलामा इकबाल ने भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट दिया था, बट देन अगेन मेन जो श्रेय जाता है इसका चौधरी रहमत अली को जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने दो तरह के हिसाब से नाम सोचा था, एक तो था पाकिस्तान यानी कि जो पवित्र स्थान है, पवित्र धरती है, लैंड ऑफ द प्योर, स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन, और दूसरा ये प्रोविंसेस, पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान से मिलकर बिना एक एक्रोनिम हो जाएगा। इन्होंने कई सारे मैप्स भी छापे अपने पैम्फलेट के साथ में और अपने आप को ये उनमें पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का फाउंडर कहा करते थे। इन पैम्फलेट्स में इन्होंने दक्षिण एशिया के कई नाम बताए, दक्षिण एशिया के कई प्रारूप बताए। तो ये काफ़ी पॉपुलर उस समय का पैम्फलेट जो उन्होंने छापा था इंग्लैंड में, इसमें ये बता रहे हैं कि जो ग्रीन कलर के एरियाज हैं इनको बताया जा रहा है पाकिस्तान, हैदराबाद वाला जो पूरा एरिया है उस्मानिस्तान, ये बंगिस्तान यानी कि बांग्ला वाला एरिया, और यहाँ पर इन्होंने श्रीलंका वाले एरियाज के अंदर भी क्या बना दिया, नसरिस्तान और सफिस्तान। इनफैक्ट इन्होंने इतने सारे स्थान बना दिए कि देख लो आप, हैदरिस्तान, सिद्दीकिस्तान, फारूकिस्तान, मुइनिस्तान, मपलिस्तान, सफिस्तान, नसरिस्तान। तो ये मपलिस्तान कहाँ पर है, केरला में, जो मपिल्ला जो एरिया है वहाँ पर, जहाँ मपिल्ला पॉपुलेशन रहती थी। तो इस तरह से इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में कई मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को या फिर जहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती थी उन एरियाज को
पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया। ऑफ कोर्स इस तरह का देश कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन इनका आइडिया कुछ इस प्रकार का था कि ये सेंट्रल एरिया होगा और ये बाकी सभी एक तरह से डिपेंडेंसीज होंगी, और साउथ एशिया के इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने नाम दे दिया पाकेशिया। तो पाकेशिया नाम दे दिया, और दीनिया भी लिख देते थे कभी कभी, वो इंडिया का उल्टा हो जाता है और वो दीन शब्द उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये अलग अलग नाम दिए इस पूरे एरिया को, और इसमें उस्मानिस्तान बंगिस्तान को डिपेंडेंसीज के रूप में गवर्न करना बताया। अब इनके आइडियाज उस समय के हिसाब से इतने ज्यादा आउटरेजियस थे कि इनको कोई भी सीरियस नेता मानने को तैयार नहीं था। मुस्लिम लीग के जो उस वक्त सीनियर नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, उन्होंने इनसे मुलाकात करी, इनसे बातचीत करी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस पर, लेकिन इस आइडिया को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो 10 सालों तक 1930 से लेकर 1940 तक अकेले चौधरी रहमत अली अपने इस पाकिस्तान के आइडिया को आगे बढ़ा रहे थे। 10 साल तक मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड ही नहीं करी। इनफैक्ट पाकिस्तान का आइडिया मुस्लिम लीग ने कब अपनाया था, 1940 में जाकर। तो 1940 में उन्होंने अपना लाहौर रेजोल्यूशन पास करके पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोला कि अब हमें एक अलग देश चाहिए। तो 10 साल तक तो ये मजाक उड़ाते रहते थे कि ये क्या अलग देश मांग रहे हो तुम तो स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, इस तरह की बातें कही जाती थी उन्हें बड़े सीनियर नेताओं के द्वारा। लेकिन अल्टीमेटली 1940 में इन्होंने यही आइडिया अपना लिया और इसे अपना बना लिया। इनफैक्ट इतना ज़्यादा अपना बना लिया कि कई लोगों को ये बात ही नहीं पता कि चौधरी रहमत अली कौन थे, और उनका पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में कोई जिक्र नहीं होता, केवल एक लाइन या एक पैराग्राफ होता है कि इन्होंने पाकिस्तान वर्ड को इन्वेंट किया था एज ए स्टूडेंट, बट हिज रोल वॉज मच मोर देन दैट। तो 10 साल तक जिस पाकिस्तान को बनाने का सपना चौधरी रहमत अली देख रहे थे, अब 1940 ऑनवर्ड्स उसकी कमान मुस्लिम लीग के हाथों में आ जाती है। अब मुस्लिम लीग के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बाद फाइनली पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन जो पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने सपना देखा था उतना नहीं मिला। देखिए, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की यह डिमांड थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनको पाकिस्तान देश में शामिल किया जाए। तो ऑलमोस्ट पूरे एरिया पर सहमति बन गई थी। कश्मीर का इशू आप जानते ही हैं कि प्रॉब्लमेटिक था, और ये यहाँ पर जो आज का बांग्लादेश है वो एरिया भी पाकिस्तान में चला गया विभाजन के बाद। तो ये वाला मैप बताता है कि ब्रिटिश इंडिया में रिलीजन के अनुसार, धर्म के अनुसार किस तरह से एरियाज का बंटवारा हुआ था। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं दे आर मार्क्ड इन ग्रीन, एंड हिंदू मेजॉरिटी एरियाज आर मार्क्ड इन पिंक कलर। तो ये रिलीजन वाला मैप है, ये डिविजन का मैप नहीं है, ओके? तो मुस्लिम लीग इस देश को लेकर संतुष्ट हो गई, लेकिन चौधरी रहमत अली का कहना था व्हाट अबाउट उस्मानिस्तान, व्हाट अबाउट बंगिस्तान, इतना बड़ा हमने तो सोचा था, नया नसरिस्तान, मफलिस्तान, ये सब का क्या हुआ, ये तो आपने लिया ही नहीं, आपने इसके लिए फाइट ही नहीं करी। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, इन सब से चौधरी रहमत अली की 1935 से ही थोड़ी सी तलखी हो गई थी। रीजन वॉज कि 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उसमें जो सिस्टम इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, मुस्लिम लीग ने उसको मान लिया था, तो उससे चौधरी रहमत अली नाराज थे। उनका कहना था कि आपने एक ऐसा देश मान लिया है जिसमें मुस्लिम हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे। तो 1935 एक्ट के सहमति के बाद से ही इनके बीच में थोड़ी सी दूरियां तो आई गई थी, और 1947 में जब फाइनली ब्रिटिश इंडिया का विभाजन होता है, पाकिस्तान देश बनता है, तब चौधरी रहमत अली ने ये कहा कि हमने तो जितना बड़ा देश सोचा था, जिसकी कल्पना करी थी, जो हमने चाहा था, उतना हमें मिल नहीं पाया, इससे वो हो गए नाराज। लेकिन फिर भी ये नए नवेले पाकिस्तान देश में आते हैं तो 18 साल यूके में रहने के बाद ये अपना सब सामान वामान पैक करके आते हैं और सोचते हैं कि जिस देश को मैंने नाम दिया आज वो देश बन चुका है। तो 6 अप्रैल 1948 को ये आते हैं लाहौर, यानी कि पाकिस्तान में आते हैं, सोचते हैं कि अब यहाँ शान से रहूँगा, जीवन बिताऊँगा। लेकिन इन्होंने आते ही मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ये जो सीनियर लीडर्स थे पाकिस्तान के, उनके खिलाफ बातें बोलनी शुरू करी, यही वाली कि इन्होंने तो आधा पाकिस्तान ले लिया, मैंने तो इतना बड़ा सोचा था, और देश में व्यवस्था ठीक नहीं है, ये तो फ्यूडल सिस्टम, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे इन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, एक मुझे जैसा देश चाहिए था, एक आम गरीब किसान का देश जो है वैसा कुछ नहीं मिल पाया, आम मुसलमान को फायदा नहीं है, जो पहले फ्यूडल्स थे वही अब फिर से पावर में आ गए, इस तरह की इन्होंने बातें लिखनी शुरू करी, बोलनी शुरू करी, स्पीचेस देनी स्टार्ट करी। तो इस सबसे पाकिस्तान की जो सरकार थी उसने कहा कि एक तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान बनकर आप यहां पर आ गए हैं यूके से, और दूसरा यहां पर आप आकर हमारे इस मूवमेंट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अभी अभी तो देश स्थापित हुआ है और आप इसी के खिलाफ अभी बोलना स्टार्ट कर देते हो। तो पाकिस्तान सरकार इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो जाती है 1948 में। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के जो नए नए प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, इन्होंने तो बोरिया बिस्तर पैक करवा दिया चौधरी रहमत अली का, और इनको पाकिस्तान से बाहर फेंक दिया, मतलब लिटरली फेंका गया था, इनको अपना सूटकेस पैक करने भी नहीं दिया गया, इनको कहा कि जो आप पहनकर अपने कपड़े तन पर खड़े हो उसको पहनकर आप यहां से निकलिए, सामान वामान आपको ले जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होगी। तो जो उनके पास थोड़ी बहुत बिलोंगिंग्स थी वो भी वहीं छूट गई, और उन्हें यूके की फ्लाइट पर बिठा दिया गया। तो कुल मिलाकर चौधरी रहमत अली खुश नहीं थे कि एक छोटा पाकिस्तान इन्हें मिल गया, जो इनके सपनों का पाकिस्तान था वो मिला नहीं, ऊपर से 6 महीने उस देश में रहने के बाद इन्हें 6 महीने में ही वहां से बेदखल कर दिया गया। और बेदखल करने के पीछे रीजंस भी थे, क्योंकि इन्होंने जिन्ना को गद्दार कहना शुरू कर दिया था। ये जिन्ना को कहते थे क्विजलिंग ए आजम, क्विजलिंग एक अंग्रेजी शब्द होता है जिसका मतलब होता है गद्दार।
तो जिन्ना को आपको पता ही होगा कि कायदे आजम कहा जाता है पाकिस्तान में, सो ही इज लाइक द फादर ऑफ नेशन। तो इन इसकी बजाय ये कहते थे जिन्ना को किसलिंगे आजम। तो ऑफकोर्स इस तरह की बात तो टॉलरेट सरकार करती नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे पाकिस्तान इतना ओपन नहीं था। एनीवेज, तो इन्हें अपने ही देश से, जिस देश को इन्होंने नाम दिया था उससे इन्हें निकाल दिया गया बाय द देन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। और क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टी, इनका पैतृक गांव, सब कुछ भारत में जा चुका था, यानी कि जो इंडिया वाला पंजाब है, होशियारपुर इज इन इंडियाज पंजाब टुडे, तो इनकी सारी पैतृक संपत्ति वहां चली गई। तो इनको अब कुछ मिला भी नहीं, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई खर्चा चलाने के लिए साधन नहीं था, अपनी प्रैक्टिस ये छोड़ छाड़ कर आ गए थे पाकिस्तान। फिर से जाते हैं यूके में, लेकिन उसके बाद ये कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाए। 3 साल ये जीवित रहे, 1951 में इनकी मृत्यु होती है, और वो 3 साल इन्होंने बहुत ही गरीबी में बिताए। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान को अपना नाम देता है वो लंदन की सड़कों पर भीख मांगता हुआ कई बार नजर आया था। इनफैक्ट जब इनकी डेथ होती है तो कोई इनकी बॉडी को दफनाने के लिए मौजूद नहीं था, ही डिडंट हैव अ फैमिली ओवर देयर, तो कोई दफनाने के लिए मौजूद नहीं था। तो इसीलिए इनका जो कॉलेज है, उसके कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन ने और जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, उन्होंने मिलाकर इनके दफनाने की व्यवस्था करी, उसके लिए खर्चा वगैरह उठाया, और ये सब होता है कैम्ब्रिज में। तो ही डाइड अ लोनली डेथ। उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये जो आपके फाउंडर हैं नेशनल मूवमेंट के, इनको हमने दफनाया, तो कम से कम इसका खर्चा तो दे दीजिए। और पाकिस्तान सरकार ने वो खर्चा देने में भी 2 साल लगा दिए, पहले तो मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फाइनली बहुत सारी चिट्ठियां लिखने के बाद नवंबर 1953 में पाकिस्तान की सरकार ने इनके फ्यूनरल एक्सपेंसेस को इमैनुअल कॉलेज को लौटा दिया। अभी भी कई बार पाकिस्तान में ये डिमांड उठ जाती है कि चौधरी रहमत अली की जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको लाकर सम्मान के साथ पाकिस्तान में दफनाया जाए, एक स्मारक बनाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इनकी पूरी कहानी जानकर, मतलब मुझे तो एक डायलॉग याद आ जाता है डार्क नाइट फिल्म में, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलेन। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट में मुझे बताएं। तो दिस वॉज नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू एनी एग्जाम, बस मैंने एक बार अपने एक लेक्चर में बात बोल दी थी कि आप चाहते हैं तो मैं इसकी कहानी बताऊंगा, तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर बनाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और आप PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स आने वाला है प्लस प्लेटफॉर्म पर 29 दिसंबर से, और मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स आने वाला है यूट्यूब पर 1 जनवरी से। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, दोनों ऑप्शनल और GS का कोर्स आप लेते हैं एक साथ तो ये आपको 55,000 रुपीज में अवेलेबल होगा, ऑफकोर्स आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड। यहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं हमारे वो EMI ऑप्शन पर अवेलेबल हैं, तो इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने एक लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म चालू किया है, मेक यूज ऑफ दैट। 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं और पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है जनवरी में, उसका डिस्कशन मैं लेने वाला हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू दीज टेस्ट सीरीज, दे आर कंप्लीटली फ्री। हर वेडनेसडे को हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।